डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि एक वही है जो मरते हुए इंसान को बचाने की उम्मीद उसके अपने में जगाता है और पूरी कोशिश करके उसे बचा भी लेता है। तो वहीं दूसरी ओर एक महिला होती है जो नई जिंदगी को जन्म देती है और ये दोगुनी शक्ति वाली होती है एक महिला डॉक्टर। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो भारत की पहली महिला डॉक्टर रही है। आजादी के पहले आनंदीबाई जोशी का जन्म उस दौर में हुआ जब हमारे समाज में महिलाओं का शिक्षित होना एक सपना हुआ करता था। आइए बताते हैं देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी और उनके संघर्ष के बारे में जो सबके लिए एक मिसाल बन गया। आनंदीबाई जोशी का जन्म पुणे में 31 मार्च 1865 को हुआ था। उनकी शादी महज 9 साल की उम्र में अपने से 20 साल बड़े युवक गोपाल राव से हुई थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में मां बनकर अपनी पहली संतान को जन्म दिया मगर 10 दिनों में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना का उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। यही वो पड़ाव था जिसने आनंदी बाई को डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। इस फैसले में उनके पति गोपाल राव ने भी उनका पूरा साथ दिया और हर कदम पर आनंदी बाई की हौसला अफजाई की। मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा पाने के लिए वो अमेरिका गई। 1886 में 21 साल की उम्र में आनंदी बाई ने एमडी की डिग्री पाने के साथ पहली भारतीय महिला डॉक्टर बन दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। मगर आनंदी बाई अपने सपने को आगे नहीं जी सकी। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आनंदी बाई देश वापस लौटी लेकिन उस दौरान वो टीबी की बीमारी की शिकार हो गई। सेहत में दिन पर दिन आई गिरावट के चलते 26 फरवरी साल 1987 में 22 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आनंदीबाई के जीवन पर कैरोलिन वेल्स ने 1888 में बायोग्राफी लिखी। इस बायोग्राफी पर एक सीरियल बना जिसका नाम था आनंदी गोपाल, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया। आनंदी बाई की मौत भले ही कम उम्र में हो गई लेकिन अपने कठिन परिश्रम और अपनी सफलता से वो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।